बॉलीवुड में बीते कुछ महीनों में कई सितारे शादी के बंधन में बंधकर एक दूजे के हो गए हैं। अब बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के घर शादी की शहनाई बजेगी। दरअसल सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल के रिलेशनशिप के चर्चे खूब होते हैं। अथिया और केएल राहुल पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। खबरें हैं कि फरहान अख्तर, शिबानी दांडेकर, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद अब नंबर केएल राहुल और अथिया शेट्टी का है। जी हाँ, खबरों की माने तो जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। पिंक विला की खबर के मुताबिक ये कपल इसी साल विंटर वेडिंग करेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक शेट्टी परिवार के करीबी सूत्र के मुताबिक शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों के पेरेंट्स भी उन्हें पसंद करते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये साल खत्म होने से पहले दोनों शादी कर एक दूजे के हो जाएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल की शादी साउथ इंडियन रीति रिवाज से होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनील शेट्टी का जन्म मंगलुरु के मुल्की में एक मंगलोरियन तुलु भाषी परिवार में हुआ था और वो साउथ इंडियन है। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल भी मंगलुरु से ताल्लुक रखते हैं। अथिया और केएल राहुल हमेशा से ही अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी वोकल रहे हैं। अथिया और केएल राहुल का रिलेशनशिप अब किसी से छिपा नहीं है क्योंकि दोनों ही अपने इंस्टाग्राम पर रोमांटिक फोटो शेयर करते रहते हैं। दोनों कई बार साथ में वेकेशन भी मना चुके हैं और तो और जन्मदिन के मौके पर एक दूजे के लिए सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट भी करते हैं। फैंस को भी दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। अथिया के बारे में बात करें तो उन्होंने साल 2015 में फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जिसमें वो सूरज पंचोली के साथ नजर आई थी। इसके बाद साल 2017 में वो फिल्म मुबारका में दिखी। साल 2019 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनकी फिल्म मोतीचूर चकनाचूर रिलीज हुई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।